पर नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर एंड विंटर। अब हम समर में और विंटर में किस तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग ही पहनते हैं ना, ये तो आपको पता होगा। हम विंटर्स में वूलन क्लोथ पहनते हैं और समर में हम कॉटन क्लोथ पहनते हैं। या कोई ऐसा पर्सन है जो इसके ऑपोजिट पहनता है? यू नो दैट इन समर वी प्रिफर लाइट कलर्ड क्लोथ एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर क्लोथ। आप जानते हैं कि हम समर में क्या लाइट कलर के कपड़े पहनना प्रिफर करते हैं और विंटर्स में हम डार्क कलर के कपड़े पहनना प्रिफर करते हैं। वाई इज इट सो? अब हम ऐसा क्यों करते हैं? लेट अस फाइंड आउट विद दिस एक्टिविटी। टेक टू आइडेंटिकल टिन केन्स। दो सेम टिन केन्स लेनी है आपने। टिन की केन, पेंट द आउटर सर्फेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट। एक ही आउटर सर्फेस को ब्लैक कलर से पेंट कर दीजिए, एक की आउटर सर्फेस को वाइट कलर से पेंट कर दीजिए। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव दैम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट वन आवर। उसमें इक्वल अमाउंट आप उसमें वाटर फिल करिए और उसको छोड़ दीजिए सन में, मिड डे सन हो मतलब बिल्कुल गर्मी का टाइम हो, 12-1 बजे का, और उसे एक घंटे के लिए आप उसमें सन में ही छोड़ दीजिए। मीज़र द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन। अब आप दोनों कैन का टेम्परेचर मीज़र करिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर? क्या आपको दोनों के टेम्परेचर में कोई डिफरेंस दिखता है? इन विच कैन इज़ द वाटर वार्मर? कौन से कैन का जो वाटर होगा वो गर्म होगा? यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन टू कैन्स। आप दोनों कैन के वाटर की सर्फेस को भी टच करके बता सकते हैं कि किसका वाटर ज़्यादा हॉट है।